नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे नींबू के फायदे और नुकसान के बारे में। फायदे के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इस वीडियो में हम आपको फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नींबू में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, जस्ता, फोलेट, तांबा, पैथुलीन, एसिड, नियासिन, थायमिन और कई तरह के प्रोटीन इत्यादि पोषक तत्व होते हैं इसमें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नींबू के फायदे वजन घटाने के लिए, शरीर का वजन कम करने या घटाने के लिए, रोज़ाना गर्म पानी में नींबू का रस शहद मिला के पीने से, क्योंकि नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारा वजन कम करने में मदद करता है। किडनी स्टोन के लिए नींबू के रस में सेंधा नमक मिला करके सेवन करने से किडनी स्टोन की समस्या दूर होती है। बाल झड़ने के लिए या बाल नहीं उगने के लिए नींबू के बीज को पीस कर सिर में लगाने से गंजेपन की समस्या दूर होती है, सिर में बाल उगने शुरू होते हैं धीरे धीरे। मुहासे के लिए चंदन के लेप में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे चले जाते हैं, आपके चेहरे का रंग भी निखरने लगता है। रक्तचाप के लिए नींबू का रस डेली नींबू पानी पीने से ये हमें फ़ायदा करता है। दांतों में पीलापन आ जाता है, उसे साफ करने के लिए नींबू को काट करके नींबू के टुकड़े में नमक लगाकर दांतों पर रगड़ने से, दांतों पर जब हम रगड़ते हैं डेली, तो उसका जो पीलापन होता है वो दूर होता है और दांत पहले से अधिक चमकने लगते हैं, चमकदार हो जाते हैं, सफ़ेद दिखने लगते हैं। दाद व खुजली के लिए, दाद या खुजली की समस्या को दूर करने के लिए नींबू के रस में नवसाद को पीस कर लगा लें, दाद व खुजली की समस्या दूर रहेगी। जो भी हमारे शरीर में ऊपरी जो स्किन में जो समस्या होती है वो सब दूर होगी, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। नाखूनों के लिए, नाखूनों पर नींबू रगड़ने से नाखून साफ और चमकदार हो जाते हैं। यदि कोहनी का कालापन दूर करना है, नहीं जा रहा है, तो नींबू रगड़ने से ये भी कम होने लगता है। पेट में गैस की समस्या दूर करने के लिए, पेट में गैस आपत जैसी समस्याओं को दूर करने में नींबू पानी बहुत कारगर साबित होता है। ये हो गए इसके फायदे। अब हम इसके नुकसान के बारे में बताते हैं। नींबू के रस का सेवन मात्र से अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इससे पेट खराब होने की संभावना हो जाती है। नींबू का अत्यधिक सेवन करने से दांतों का जो क्षारण, यानी कि दांतों की जो ऊपरी सतह होती है, वो कमज़ोर होने लगती है। तो नींबू का सही मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। मुंह में विषैल जो झिल्ली होती है वो बहुत नाजुक होती है और अधिक नींबू पानी पीने से ये झिल्ली प्रभावित हो जाती है, जिससे कि मुंह में छाले हो जाते हैं। नींबू का सेवन अधिक मात्रा में करने से सीने में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नींबू में एसोफोइक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। नींबू का अत्यधिक सेवन करने से व्यक्ति को अस्थमा की समस्या, उसके जो लक्षण होते हैं उनमें बढ़ोतरी होने लगती है, उसे बढ़ने में मदद मिलती है, इससे अस्थमा की जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। माइग्रेन की बीमारी है तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के ही नींबू का इस्तेमाल सेवन करना चाहिए। तो नींबू का अधिक सेवन करने से जो किडनी में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए नींबू का उपयोग सही मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अत्यधिक उसका उपयोग करने लगते हैं, दिन भर नींबू का पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो में आपको नींबू के फायदे और नींबू के नुकसान दोनों के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको मदद करेगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा।